हेलो दोस्तों, सिविल टेक्निकल दोस्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की मैं जो जॉब नोटिफिकेशन लगाया हूँ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है, जो कि 17 वैकेंसी निकाली गई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। दोस्तों, ये ग्रुप ए पोस्ट है और जो पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा वो 10 रहेगा, यानी कि जो पर मंथ आपकी सैलरी होगी 56,100 रुपये से लेकर 1,70,500 रुपये रहेगी। प्लस में आपको अदर अलाउंस भी मिलेगा एज पर दी जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको मिलता है। दोस्तों, बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या है OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, जो कि कमीशन के वेबसाइट पे आपको करना है www.appsc.government.in पे gov.in। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है OTR पे तो क्या है, आप डायरेक्टली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके। दोस्तों, बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्या है, यहाँ पे बी या बीटेक होना चाहिए आपका सिविल में। और यहाँ पे दोस्तों फाइनल सेमेस्टर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जब वाइवा या इंटरव्यू होगा तो उस टाइम पे उनको क्या है ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे मिनिमम एज दोस्तों 18 साल है और मैक्सिमम एज 32 साल है। और ये जो एज देखी जाएगी वो 11 जून 2021 के कट ऑफ डेट के हिसाब से देखी जाएगी। हालांकि इसमें अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का रूल होगा जो। उसके बाद दोस्तों बात करें डिटेल्स ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे देखो तीन डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाली गई है। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट DHPD, दूसरा डिपार्टमेंट जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD, और जो तीसरा है PHE एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंट ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे क्या है जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे क्या है रिजर्व सीट है, 2 सीट रिजर्व है DHPD डिपार्टमेंट में और 10 सीट जो है PWD में रिजर्व है। और जो PHE एंड वाटर सप्लाई है उसमें क्या है 1 सीट जो अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्व है, यानी कि टोटल 13 सीट जो है 17 में से वो रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट है। उसके बाद दोस्तों बात करें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, तो उनके लिए 1 सीट रखी गई है डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट DHPD में, और यहाँ पे 2 सीट जो है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए है PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, यानी कि टोटल 3 सीट जो है आपका जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो उनके लिए रखी गई है। और जो यहाँ पर रिजर्व है PWD कैंडिडेट के लिए 1 सीट है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट DHPD डिपार्टमेंट में है। तो टोटल मिला के 17 वैकेंसीज है। बात करें दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन की, तो यहाँ पे क्या है रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होगा, जो रिटर्न एग्जामिनेशन और वाइवा होगा। दोस्तों यहाँ पे जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का, टेक्निकल पेपर 200 मार्क्स का, और जो वाइवा या इंटरव्यू है वो आपका 50 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मिला के 400 मार्क्स का आपका क्या होगा रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे क्या है आपको क्वालिफाई करने के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या होगा मिनिमम सिक्योर करना पड़ेगा मार्क्स जो होगा 33% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में, और जो एग्रीगेट होगा टोटल वो कितना 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करें इंटरव्यू का, तो यहाँ पे क्या जो क्वालिफाइड करेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन में एज पर दी मेरिट उनके 3 टाइम्स बुलाया जाएगा जो एडवर्टाइज पोस्ट है। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं तो यहाँ पे क्या है एक OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा टेक्निकल सब्जेक्ट का, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनको लिमिट करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप जब फॉर्म को फिलअप करोगे तो यहाँ पे आपको प्रिफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, तो यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए इंक पेन से, और जो फॉर्मेट होगा JPEG फॉर्मेट, और साइज जो होगा उसका 20 से 50 KB होना चाहिए, और यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको अपलोड करना है 40 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है दोस्तों डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा आपका 1 हफ्ते पहले जो आपका इंटरव्यू होगा या वाइवा होगा,
उससे एक हफ्ते पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जीरोक्स। वो किसके किसके करने पड़ेंगे? एक तो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, और 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और आपका डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर आप APST अरुणाचल प्रदेश के कैंडिडेट हैं तो आपको वहाँ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और आपको आधार कार्ड जमा करना पड़ेगा अगर आप अदर स्टेट के हो तो। और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए NOC भी आपको देना पड़ेगा, और PWD कैंडिडेट के लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यहाँ पे। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे आप उस दिन क्या है, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी दिखाने पड़ेंगे जो जो मेंशन किया है अभी मैंने आपको ऊपर। दोस्तों बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो यहाँ पे क्या है, जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है यहाँ पे, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 फीस रखी गई है। दोस्तों बात करें लास्ट डेट या टाइम फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट डेट जो है वो आपका 11 जून 2021 शाम के 4 बजे तक है। दोस्तों यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस भी है, तो इसको पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले। और क्या है, जो सिलेबस है वो आपका अवेलेबल होगा जो कमीशन की वेबसाइट है वहां पर। तो दोस्तों ये थी आज की जॉब नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कैसी लगी हो ये हमें कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।